हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपके साथ शेयर किया था पपाया एंड कैरेट सोप, जो कि बहुत इफ़ेक्टिव है अगर पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है तो। लेकिन सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम में हम सभी को ड्राइनेस का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। लोशंस तो हम अप्लाई करते हैं, लेकिन सोप भी ऐसा होना चाहिए ना जो कि हम यूज़ करें और वो भी एक मॉइस्चराइज़र की तरह ही काम करें। मार्केट में काफ़ी सारे ऐसे सोप्स अवेलेबल हैं जो इस बात का क्लेम करते हैं कि उनके अंदर मॉइस्चराइज़र है, उनके अंदर मिल्क है, उनके अंदर हनी है और वो आपकी स्किन पर एक मॉइस्चराइज्ड ग्लो लेकर आएंगे। लेकिन काफ़ी सारे सोप्स मैंने यूज़ किए हैं और मुझे तो वो कुछ खास फ़र्क असर नज़र आया नहीं है। और आज जो हम सोप खुद बनाने वाले हैं 100% नेचुरल होममेड, उसका फ़र्क आपको फर्स्ट एप्लीकेशन में ही दिखाई दे जाएगा। देखिए, फर्स्ट एप्लीकेशन में ही मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा स्किन कितना ज़्यादा इम्प्रूव्ड है, ड्राइनेस ख़त्म हो गई है, स्किन पर एक फ्रेश ग्लो दिखाई देने लगा है, स्किन हेल्दी नज़र आ रही है। और सर्दियों में हमें यही तो चाहिए होता है अपनी पूरी बॉडी पर एक मॉइस्चराइज्ड एंड हेल्दी ग्लो। बहुत ही ईजीली बनने वाला है ये सोप और मुझे नहीं लगता कि आपको मार्केट से कुछ भी खरीदना पड़ेगा इस सोप को बनाने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे इंग्रेडिएंट्स ही हमारे घर में अवेलेबल होते हैं। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। बनाने के लिए लेना है 1 स्पून राइस फ्लार, यानी कि चावल का आटा। अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप चावल को भी बिल्कुल बारीक पीस कर बना सकते हैं। और नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून कोकोनट पाउडर, यानी कि नारियल का पाउडर, जिसे हम नारियल का बुरादा भी कहते हैं। आप चाहें तो फ्रेश कोकोनट को भी बहुत अच्छे से ग्राइंड करके पाउडर बनाकर यूज़ कर सकते हैं। और थर्ड इंग्रेडिएंट हमें इसमें ऐड करना है हनी, यानी शहद, और वो भी 1 स्पून। अच्छी क्वालिटी का शहद यूज़ करें जिससे कि आपको उसके रिजल्ट्स भी अच्छे मिलें। 1 ही स्पून हम इसमें ऐड करेंगे ऑलिव ऑयल। अब इन चारों चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है। बहुत ही कमाल का बनने वाला है ये सोप। आप एक बार बनाएंगे और बार बार इसी को यूज़ करना चाहेंगे। स्किन को मॉइस्चराइज्ड तो ये रखता है, साथ में पिगमेंटेशंस हैं, फाइन लाइंस हैं, रिंकल्स हैं, टैनिंग का प्रॉब्लम है, डार्क स्पॉट्स हैं, एक्ने पिंपल्स के मार्क्स हैं, सबको रिमूव करेगा। और यहाँ पर मैंने लिया था एक एलोवेरा लीफ, जिसका जेल निकालकर मैंने मिक्सी में ब्लेंड कर लिया था और मैं उसके भी 3 to 4 स्पून्स इस मिक्सचर में ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो मार्केट वाला एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, उसके 4 स्पून्स इसमें ऐड कर सकते हैं। बस इस सारे मिक्सचर को हमें अच्छी तरह से एक पेस्ट की कंसिस्टेंसी में ले आना है। इतना मिक्स करना है, बहुत अच्छे से मिक्स करना है इसे, क्योंकि हमने इसमें डाला है राइस फ्लार, जो कि थोड़ा टाइम लेगा मिक्स होने में। जितने भी इंग्रेडिएंट्स हम इसमें डाल रहे हैं, जैसे राइस फ्लार, कोकोनट पाउडर, हनी, एलोवेरा जेल, ऑलिव ऑयल, ये सारे ही स्किन को मॉइस्चराइज भी करते हैं और स्किन पर जो अर्ली एजिंग के साइंस आ जाते हैं उनको भी बहुत अच्छे से और बहुत फास्ट रिमूव करते हैं। बहुत इफ़ेक्टिव बनेगा ये सोप और बहुत ही माइल्ड बनेगा, तो आप इसे अपने फेस के लिए भी बड़े आराम से बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। मिक्सचर रेडी होने के बाद मैंने लिया है एक मेडिमिक्स सोप, मेडिमिक्स ग्लिसरिन सोप, जिसका मैं हाफ पीस ले रही हूँ। ये ग्लिसरिन सोप है और मैं मेडिमिक्स ही लेती हूँ। ये मैंने आपको अपनी प्रीवियस पपाया कैरेट सोप वाली वीडियो में बताया था, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है बहुत सारी पावरफुल हर्ब्स का और हर्बल ऑयल्स का। तो मैं कोई भी होममेड सोप बनाने के लिए मेडिमिक्स ग्लिसरिन सोप ही लेती हूँ। आप चाहें तो आप प्लेन सोप बेस भी ले सकते हैं या फिर पेयर्स भी ले सकते हैं। और अगर मेडिमिक्स लेना चाहते हैं आप, तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। तो बस इसको छोटे छोटे पीसेज में कट करके हमें डबल बॉयलर टेक्निक से सोप को मेल्ट करना है। आपको माइक्रोवेव में मेल्ट नहीं करना है, आपको डायरेक्ट गैस के फ्लेम पर इस सोप को मेल्ट नहीं करना है, डबल बॉयलर टेक्निक से ही मेल्ट करना है इस सोप को। क्योंकि वैसे भी हम हर्बल सोप ले रहे हैं, तो अगर हम इसे डायरेक्ट हीट देंगे तो जो बेनिफिट्स इसके अंदर हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। बहुत सारे हर्ब्स और हर्बल ऑयल्स का एसेंस होता है मेडिमिक्स ग्लिसरिन सोप में। धीरे धीरे हम इसे चलाते रहेंगे और सोप को मेल्ट होने देंगे।
पाँच से सात मिनट लगेंगे इस सोप को मेल्ट होने में डबल बॉयलर टेक्निक से। और जब हमारा सोप बिल्कुल पूरी तरह से मेल्ट हो जाए तो भी इस मेल्टेड सोप को हमें डबल बॉयलर पर ही रखना है, गैस को ऑन ही रखना है, और जो मिक्सचर हमने राइस फ्लावर कोकोनट पाउडर का बनाया है उसको वन बाय वन डालते जाना है और इस मेल्टेड सोप में मिक्स करते जाना है। वन स्पून डालनी है, फिर मिक्स करना है, फिर नेक्स्ट स्पून डालनी है, फिर मिक्स करना है। सारा का सारा मिक्सचर हमें एक साथ नहीं डालना है तो हमें मिक्स करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए वन बाय वन ही हमें डालना है और मिक्स करते जाना है। गैस से इस मिक्सचर को उतार कर मिक्स नहीं करना है क्योंकि आपका सोप बहुत जल्दी सेट होने लगेगा, जमने लगेगा, इसलिए इसको डबल बॉयलर पर ही रहने देना है और गैस को ऑन ही रखना है जब तक हमारा सारा मिक्सचर इस मेल्टेड सोप में मिक्स ना हो जाए। इतनी अमेजिंग स्मेल है ना इसकी कि आप जब खुद बनाओगे तो आपको लगेगा कि बस जल्दी से ये सोप सेट हो जाए और मैं इसे यूज़ कर लूँ, क्योंकि राइस फ्लावर की स्मेल, उसके ऊपर कोकोनट पाउडर की स्मेल है, हनी की भी स्मेल है, एलोवेरा जेल है इसके अंदर, ऑलिव ऑयल है इसके अंदर। बेनिफिट्स बहुत सारे हैं इस सोप के, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी कि एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई करके देखिएगा इसको, और देखिए हमारा सारा मिक्सचर हमारे सोप में, मेल्टेड सोप में मिक्स हो गया है। और अब मैं फटाफट से इसको मोल्ड में शिफ्ट करूंगी जिससे कि ये जल्दी से सेट हो जाए और हमारा सोप फटाफट से रेडी हो जाए। बस एक घंटा लगेगा, इसको बाहर ऐसे ही छोड़ दीजिए, सर्दी का मौसम है, और अगर आप किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ सर्दियाँ नहीं हैं तो आप इसे दो से ढाई घंटे छोड़ दीजिए, ये सेट हो जाएगा। आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, ये 30-40 मिनट्स में सेट हो जाएगा। देखिए एक घंटे में ही हमारा सोप रेडी हो गया है। देखने में इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है ये, क्योंकि इसमें छोटे छोटे ग्रेन्स दिखाई दे रहे हैं, कोकोनट के भी, राइस फ्लावर के भी। स्मेल इज़ ऑल्सो वेरी 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 ब्यूटीफुल। सो एक बार इसको बनाना तो बनता ही है, ज़रूर बनाइएगा इसको और मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा अपना एक्सपीरियंस इसको यूज़ करने के बाद। और अगर इसकी शेल्फ़ लाइफ की बात करते हैं तो आप इसे आराम से रूम टेम्परेचर पर 6 मंथ्स के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।